Welcome back, and today we're going to be learning about how to study for anatomy. Well, anatomy is actually a very fun subject for me. ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आता है एनाटॉमी पढ़ने में, विजुलाइजेशंस करके सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने में एंड एवरीथिंग. एंड इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट टू लर्न एनाटॉमी, बिकॉज बाकी सारे डिजीजेज यू हैव टू नो योर एनाटॉमी टू बी एबल टू अंडरस्टैंड सही फर्दर चीज़ें क्लिनिकली. ऑलराइट, सो पहले हम लोग गो थ्रू करेंगे सारे रिसोर्सेज वट एवर वी गॉट, एंड देन वी आर गोना टॉक अबाउट कि कैसे उन रिसोर्सेज को यूज़ करना है. ओके, तो फाउंडेशन मॉड्यूल में सबसे पहली चीज़ यू हैव टू गेट इज दिस. दिस इज़ द बी चौरासियास हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी. देखो कितनी पतली सी बुक है, लेकिन बहुत डिटेल्स हैं इसमें, बहुत 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 डिटेल्स. लेकिन देखो डायग्राम्स आर लाइक सो लिमिटेड. सो दिस इज़ द पॉइंट अबाउट बी चौरासिया कि ये हैंडबुक इज़ गुड फॉर योर फाउंडेशन मॉड्यूल. लेकिन पूरा तो फिर भी कम्प्लीटली दिमाग में नहीं घुस सकता, बिकॉज सो डिटेल्ड. लेकिन व्हाट यू गॉट टू डू इज विद दिस वन कि ओवरव्यू लो, क्लास लेक्चर्स लो और एनोटेट कर लो, जैसे स्टिकी नोट्स लगा के कर लो. ठीक है, उसके बाद अदर रिसोर्स इज बी चौरासिया की वॉल्यूम्स. आई जस्ट गॉट टू वॉल्यूम्स यहाँ पे, दीज आर द टू वॉल्यूम्स, और दीज आर अगेन सेम एज हैंडबुक, बट दिस इज जस्ट बेटर ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपरली डिटेल में दिया हुआ है एवरीथिंग. दिस इज आवर बी डी चौरासिया एनाटॉमी बुक. बहुत सारे लोगों को ये भी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इसमें डिटेल्स बहुत भर के है. एंड हाँ, डिटेल्स अगर चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर इट. मगर कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए नॉट सो मच, स्पेशली बिकॉज इसमें डायग्राम्स नहीं है. तुम देखो कि डायग्राम्स कितने लिमिटेड हैं, और वो भी मतलब दे आर नॉट वेरी गुड. तो यू कुड फॉलो दिस बुक विद नेटर्स इफ़ यू वॉन्ट टू, मगर मैं कहूँगी यार ग्रेस पढ़ लो, वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है. इसके तीन वॉल्यूम्स आते हैं, जैसे ये वॉल्यूम वन है और वॉल्यूम टू है. मैंने वॉल्यूम थ्री नहीं लिया था, बिकॉज आई वॉज लाइक फेड अप विद. सो या बी डी चौरासियास I think is epic. The best book that I think anatomy ke liye is Grey's Anatomy. Basically itni moti book hoti hai, but I split it into three taki main isko aaram se university leke ja sakun, aaram se padh sakun usme se, because you know halki ho jayegi. But it is such a good book because isme itne hugely epic conceptual diagrams hain, details bhi mili hui hai. So I think this is anatomy ke hisab se a total winner. ठीक है, इसमें तीन मैंने स्प्लिट कर लिए हैं. इसमें ये वाला है इंट्रोडक्शन बैक थोरैक्स एब्डोमेन, इसमें पेल्विस पेरिनियम अपर लिम लोअर लिम, और इसमें आई थिंक हेड एंड नेक वगैरह, या हेड एंड नेक. तो गाइस ग्रेस एनाटॉमी इसलिए बहुत अच्छी है बिकॉज वो कॉन्सेप्ट्स देती है, और बड़े बड़े डायग्राम्स हैं, ह्यूज डायग्राम्स, वेरी सिंपलिस्टिक करके समझा देती है. यू गॉट टू गो थ्रू ग्रेस गाइस, कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं ग्रेस से पढ़ो. उसके अलावा KLM Anatomy, this is basically a good book, a replacement कर सकती है ग्रेस के लिए, but I feel like इसके diagrams are not the most, I don't know, it's just not the best. और ये हमारी KLM clinically oriented anatomy की बुक है. ये basically US book है, ग्रेस UK की बुक है. अब ये बुक में बहुत अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट्स ये भी बना के देती है, एंड यू कैन टोटली फॉलो इट. लेकिन याद रखो, अगर ये एक दफ़ा फॉलो करना शुरू कर दिया ना, तो फिर ग्रेस मत खोलना, वरना हर वक्त कन्फ्यूज रहोगे, केलम पढ़ें ग्रेस पढ़ें केलम पढ़ें ग्रेस पढ़ें. यू गॉट टू बी जस्ट लाइक वन बुक फॉर द रेस्ट ऑफ इटर्निटी. ठीक है, बट मैंने पढ़ी है, बहुत पढ़ी है मैंने ये वाली बुक भी, बट यू नो आई जस्ट आई लाइक ग्रेस बेटर, बिकॉज उसमें डिटेल्स में इतना नहीं जाता ग्रेस, एंड यू नो आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट्स के साथ दे देता है. केलम इज़ फाइन टू, बट केलम मुझे मैंने बताया ना उसके ब्लू पेजेस, केलम के ब्लू पेजेस आर जस्ट लाइक बॉम. ये रहे, किधर गए ब्लू पेजेस, जैसे ये है ना, ये ब्लू पेजेस हैं. These are the blue pages. So, इसमें सिर्फ clinical correlate आता है, जो भी kidney बोल रही हूँ, जो भी problems होती हैं उसकी उसके हिसाब से उसके clinically correlates आ जाते हैं. तो कैसे पढ़ना है नाम के लिए, तो पहले foundation module में all you gotta do is read from the handbook, class lectures, बस. उसके बाद blood module में you don't have anatomy, locomotor, cardio and respiratory में है anatomy. locomotor में तो बहुत bulk है, क्या करना है उसके लिए, कुछ नहीं, Gray's anatomy पढ़ो. ठीक है, that's just my opinion. Guys, take this as my two cents. ठीक है, क्योंकि मैंने भी during my first year, second year, I was like lost. हमेशा मैं KLM Grey's हमें सोचती रहती थी कि यार इनमें से कौन सी पढ़नी है. पर फाइनली आई अंडरस्टैंड कि ग्रेज इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट बना के देती है, क्योंकि नाम ही यू फॉरगेट. सो यू हैव टू जस्ट बिल्ड कॉन्सेप्ट एंड यू नो उसके ऊपर आपने डिटेल्स बनानी होती है. यू कॉन्ट जस्ट डेल्व राइट इन टू द डिटेल्स बिफोर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट. क्या करो, ग्रेज पढ़ो. ठीक है,
pictures dekho letter se aur class lecture se annotate kar lo. That's all you gotta do, guys. And this is my favorite anatomy resource, the Netter Atlas. Da-da-da-dum. Guys, this is so good because it's just pictures hai and it explains itna sari cheeze hai pictures ke through. Sari labeling karke de dete hai and everything. So, super helpful. Pura 5 saal maine isko refer karti rahi hu, abhi bhi karti hu, abhi final year mein to abhi bhi karti hu main isko refer, because ek hi picture se aapko sari anatomy ki special understanding mil jati hai, which is beyond good. So yeah, so how to study for anatomy, Gray's and Netter's best option for you. Lekin I guess questions aapke BD se bahut questions aapke actually BD 84 se bahut bante hain. So I mean you can read these, but I would just say attend karo class lectures. Masla nahi hoga phir BD se padhna shuru masla nahi hoga, because honestly going through BD is just hell. I mean I've read BD, aisa nahi hai maine isko bhi padha hai, it was hell. So you know, buy it on your own risk, guys. I hope isse tumhe thoda sa idea ho ki anatomy kaise padhte hain aur kya resources use karte hain. Filhal just buy Gray's, Netter's or handbook, iske alawa kuch nahi. And sari information aapke description bar mein hogi, aur I hope you understood kuch bhi isme se. And if you have any questions, I've always said leave down in the comments below, koi bhi question ho, I'll try to help you as much as I can. And yeah, for more videos, subscribe.